There are a lot of students who find difficulty in identifying this type of connections where they are not able to identify which are in series and which are in parallel. So, ये resistor कौन से series में कौन से parallel में इसको identify करने में थोड़ी difficulty face करते हैं बच्चे, इसलिए मैंने ये video बनाया. तो बेटा देखो आप क्या करोगे, you start following the path of current. आप current के path में चलना शुरू करो. You all know current flows from positive terminal to negative terminal. So this is longer one means the positive terminal of the battery. हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं और ऐसे चलते चलते रास्ते में हमको ये रेजिस्टर मिला. आगे बढ़ते गए हमें ये रेजिस्टर मिला, फिर हम बढ़ते गए और नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंच गए. तो जब आप चलना शुरू किए करंट के पाथ में तो आपको रास्ते में एक ये रेजिस्टेंस मिला और ये रेजिस्टेंस मिला. That means these two are in series with each other. ये एक साथ सीरीज में है. तो आप सिंपली इन दोनों को एड कर दोगे एंड यू विल गेट द टोटल रेजिस्टेंस. ये आपको रास्ते में नहीं मिला तो ये हो गया पैरेलल. ये दोनों एक सीरीज में आ गए, ये पैरेलल. ये आप ऐसे भी सोच सकते हो, ये करंट गया और यहां आके डिवाइड हो गया. तो जब ये यहां आके डिवाइड हो गया, इधर पे एक रेजिस्टेंस आ गया और इधर इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया. सो दीज टू आर इन सीरीज विद ईच अदर एंड दिस इज पैरेलल टू दीज टू. मतलब ये जो आपका सम आया और ये जो आपका है, ये दोनों पैरेलल में है. लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल. दिस सर्किट डायग्राम हियर ऑल्सो वी हैव थ्री रेजिस्टेंसेस एंड वी अगेन स्टार्ट फॉलोइंग द पाथ ऑफ करंट. हम करंट के पाथ में चलना शुरू करते हैं और चलते चलते हमने देखा यहां आके ये डिवाइड हो गया करंट, ये दो तरफ में चला गया. मतलब ये दोनों हो गए पैरेलल. करंट दो साइड में ऐसे डिवाइड हो गया, मतलब ये दोनों रेजिस्टर जो है पैरेलल में है. तो ये 1/4 प्लस 1/12 हो जाएगा इसका टोटल रेजिस्टेंस. अब ये दोनों जब पैरेलल आपने कंबाइन कर दिया तो इसका सम आपके पास आ गया और आप फर्दर आगे चलने लगो और चलते चलते आपको ये मिला. तो ये दोनों का जब सम आ गया तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा. इट विल बी समथिंग लाइक दिस. ये दोनों जुड़ गए, आपने एड कर दिया. एड करके यहां पर जो आपको मिला, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस. 3 + 1 दैट इज 4/12 मीन्स इट इज 1/3. सो इट इज 1/3 दैट इज योर रेजिस्टेंस विल बी 3. तो यहां आपका 3 ओम आ गया. तो अगर ये 3 ओम आ गया, अब हम रास्ते में चल रहे हैं और वापस हमें ये मिला, तो ये एक ही रास्ते में पड़ रहा है. तो ये 3 ओम और ये 1 ओम जो है, ये दोनों अब सीरीज में आ गए. तो पहले दोनों पैरेलल थे, उन दोनों को टोटल कर दो, एक बन गया. अब आप आगे चलते रहो, फिर ये भी आपको उसी रास्ते में मिला, मतलब अब ये दोनों सीरीज में आ गए. सो द फर्स्ट टू वर पैरेलल एंड दिस इज इन सीरीज, सो यू विल गेट 4 ओम. इफ यू लाइक माय वीडियो, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.